बिस्मर असलम डर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड चैप्टर नंबर सेवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास नाइन और टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ एन फ्रॉम ब्राइन पहले हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक में क्या बताया हुआ है उन्होंने हमें ये कहा है कि आपने मैनुफेक्चर करना है यानी प्रिपेयर करना है तैयार करना है हम किसे कहते हैं जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं उसको हमने प्रिपेयर करना है कि हम एन एच को यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम ब्राइन ब्राइन से अब ब्राइन क्या है एन ए सी एल का जो सोल्यूशन होता है एन ए सी एल यानी वो वाला साल्ट टेबल साल्ट जो नमक आम हम, हम घरों में खाते हैं टेबल साल्ट उसको जब हम पानी के अंदर हल कर लें ठीक है घरों में जो हम नमक खाते हैं उसका क्या नाम है एन ए सी एल यानी सोडियम क्लोराइड जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिजोल्व कर लें एन ए सी एल को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर लें तो हमारे पास ब्राइन बन जाएगा ठीक है वाटर का क्या फार्मूला है H2O टू ओ जब हम एन को वाटर के अंदर मिक्स कर लें उसका एक लिक्विड सोल्यूशन हो जाए उसको हम कहते हैं ब्राइन अब हमने एन ए सी एल एच टू से क्या बनाना है एन ए ओ एच यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चर करना है तैयार करना है किससे एन ए सी एल और वाटर से यानी ब्राइन से ठीक है अब हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर होता है एन uh, ओ को यानी कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हम जिस uh, सेल का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है नेल्सन सेल ठीक है जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो डाउन सेल था वो सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पे जो हमने ब्राइन को सॉरी uh, एन को यानी कास्टिक सोडा को बनाना है तो उसके लिए हमें जो सेल रिक्वायर है उस सेल का नाम है नेल्सन सेल ठीक है अब हम नेल्सन सेल की का जो है वो डायग्राम देखते हैं उसकी उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि किस तरह से जो है वो सेल की वर्किंग होती है लेकिन सेल की वर्किंग से पहले हम सेल के स्ट्रक्चर को उसके डायग्राम को देखते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा क्या है मैंने अभी बताया था कास्टिक सोडा हम एन को ही कहते हैं ठीक है थीके? कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एन नेल्सन सेल बाय द ऑफ ऑफ एक्वा NaCl कार्ड ब्राइन यहाँ पे उन्होंने ब्राइन की एक क्लियर डेफिनेशन भी दे दी है कि जो एक्वा सोल्यूशन होता है एक्वा किसे कहते हैं एक्वा का मतलब होता है वाटर एक्वा सोल्यूशन यानी पानी के अंदर हल हुआ एन ए सी एल उसका सोल्यूशन जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस हम डिटेल में जो है वो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन यानी किसी बीच जो है वो आपके पास कोई मेटल है कोई मॉलिक्यूल है उसका जो है वो इलेक्ट्रॉन में टूट जाना उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिस इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील टैंक इट कौन नेल्सन सेल अब यहाँ से जो है वो नेल्सन सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि नेल्सन सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है वो ये बता रहे हैं कि जो नेल्सन सेल है उसका एक स्टील टैंक होता है फर्स्ट ठीक है उसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एक स्टील टैंक होता है जिसके अंदर ग्रेफाइट अनोड होता है अनोड किस से एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है अनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और अनोड किस चीज से मिलकर बना हुआ है यहाँ पे अनोड यहाँ पे ग्रेफाइड से मिल बना हुआ है ये सस्पेंडेड है सस्पेंड का क्या मतलब होता है जब कोई चीज इस तरह से नीचे लटक रही हो उसको हम कहते हैं कि ये सस्पेंड हुआ हुआ है इन द सेंटर ऑफ यू शेप परफोरेटेड आयरन के थोर आयरन का जो है, है, जो का, uh, है anode, वो कैथोड बना हुआ है ठीक है, है और जो कैथोर्ड है कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है और वो किससे मिलकर बना हुआ है वो आयरन से मिलकर बना हुआ है ठीक है एनोड ग्रेफाइट कैथोड आयरन एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिस आयरन कैथोड इज इंटरनली लाइन्ड विद एस्पेस्टोज डायाफ्राम वो ये बता रहे हैं आपको कि जो आपके पास कैथोड है जो कि आयरन से मिल बना हुआ है नेगेटिव चार्ज वाला उसको इंटरनली यानी अंदर वाली साइड से लाइन किया जाता है यानी उसके पूरी अंदर वाली साइड पे जो होता है वो लगा हुआ होता है क्या एस्पेस्टोज डायाफ्राम एस्पेस्टोस डायफ्राम क्या है और ये क्यों लगा होता है एस्पेस्टोस डायफ्राम का काम ये है कि ये जो है वो एनोड और कैथोड दोनों के स्ट्रक्चर को जो है उनके दरमियान एक परमिएबल यानी जो चीज़ें कैथोड में है वो एनोड में ना जा सके और जो एनोड में है वो कैथोड में ना जा सके उनके दरमियान एक जो है वो सेपरेशन का काम करता है ठीक है इलेक्ट्रोलिट ब्राइन इज प्रेजेंट इनसाइड द आयरन कैथोड अब ये जो ब्राइन यानी जो एन को आपने वाटर के अंदर डिजोल्व किया और डिजोल्व करने के बाद किसके अंदर डाल दिया आयरन के थोड़ के अंदर और ठीक है जो आयरन का थोड़ है उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा यू शेप है और जो हमारे पास एनोड है वो एक सस्पेंड की हुई है यानी इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ लटकाया हुआ है किसको एनोड को जो कि ग्रेफाइट से मिलकर बना हुआ है अब हम इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं कि यहाँ पे डायग्राम में उन्होंने बहुत क्लियर बताया हुआ है कि ये वाला जो हम हमने कहा था सस्पेंड किया हुआ है लटकाया हुआ है वो ये है ठीक है मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर नजर आ जाए ये जो है ये वाला सारा स्ट्रक्चर ये किसका है ये एनोड का है और एनोड किस चीज से मिलकर बना हुआ है यहां पे ग्रेफाइट से और कैथोड कहाँ है कैथोड जो कि यू शेप स्ट्रक्चर है उन्होंने यहां पे बताया भी हुआ है ये वाला ये ब्लैक जो पूरी ब्लैक है वो है यू शेप आप देखिए इसका स्ट्रक्चर यू शेप ही है ना तो हम कहते हैं कि कैथोड जो है वो आयरन से मिलके बना हुआ है नेगेटिव चार्ज रखने वाला है और इसका स्ट्रक्चर क्या है ये वाला यू शेप जबकि जो एनोड है वो इस तरह से सस्पेंड है ये वाला ठीक है और Uh, जो हमने कहा है कि एन का वाटर uh, के अंदर एक्वा सोल्यूशन है यानी ब्राइन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है वो कैथोड के अंदर प्रेजेंट होती है यानी ये जो यू स्ट्रक्चर यू शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है इसके अंदर ब्राइन प्रेजेंट है उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ब्राइन जो है वो इस यू शेप स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पे उन्होंने डायाफ्राम का स्ट्रक्चर को शो किया हुआ है स्ट्रक्चर तो नहीं कह सकते लेकिन डायाफ्राम को उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो के आयरन के थोड़ की इंटरनल यानी अंदर वाली साइड पे लगा हुआ है ताकि वो एज अ सेपरेशन काम कर सके एज अ परमिएबल परमिएबिलिटी को कायम रखता है बिटवीन कैथोड एंड एनोड अब होता कुछ इस तरह से है कि एन किस तरह से सॉरी uh, एन जो है वो इस तरह से प्रिपेयर होता है कि हमने एन और एच टू ओ के सोलूशन को, को यानी ब्राइन को कैथोड के अंदर मिक्स कर दिया उसके बाद जब हमने जो है इसको uh, इन, इनकी इलेक्ट्रोलसिस करवाई तो इस तरह से होगा कि जो एन और H2 टू है एच टू ओ है वो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे एन अपने आयन किस तरह बनाएगा एन पॉजिटिव सी नेगेटिव और वाटर अपने आयन किस तरह से बनाएगा एच पॉजिटिव और ओ OH एच नेगेटिव अब जो एच पॉजिटिव गैस है अब गैस है एच टू ओ ठीक है एच पॉजिटिव कह रही हूं सॉरी एच टू गैस जो है वो क्या करेगी वो बाहर निकल जाएगी किस तरह से निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी कि जो आयंस है वो अपने 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 जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे ठीक है एनोड और कैथोड दोनों को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं एक एनोड और दूसरा कैथोड कैथोड जो है वो नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव अब अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे इस बात का ये मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाला है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और जो नेगेटिव चार्ज रखने वाला है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा फॉर एग्जाम्पल जो सी एल है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव वो एनोड की तरफ आ जाएगी और जो एज टू यानी हाइड्रो एज पॉजिटिव है ठीक है हाइड्रोजन आयन जो है वो किधर आ जाएंगे वो कैथोड की तरफ आ जाएंगे अब एज पॉजिटिव जो है वो कैथोड की तरफ आ गया वहां पे आने के बाद Uh, जो है वो हाइड्रोजन आपस में मिक्स हुए वहाँ से जो है वो एशु गैस बाहर रिलीज होगी जबकि यहाँ पे एनोड पे जहाँ पे सी एल नेगेटिव आया था आपको पता है ना कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है Uh, यहाँ से कैथोड पे जो है वो एच पॉजिटिव आयन आ गया और एनोड पे सी नेगेटिव आयन आ गया यहाँ से जो है वो एनोड की तरफ से सी गैस रिलीज हो जाएगी और कैथोड की तरफ से एच गैस यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी इसकी मजीद वर्किंग को डिटेल में पढ़ते हैं वो मैंने आपको एक छोटा सा जो आप कह लें तो एक स्केच आपके माइंड में बनाने की कोशिश की है अब होता इस तरह से है के जो आइंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं आपको पता है ना कि जो अब आपको हैरान होगी कि वाटर एज और ओ एज OH कहाँ से आ गए एज और एज ओ एज इस तरह से आए हैं कि जो एन ए सी एल का सोल्यूशन बना हुआ है वो किसके अंदर बना हुआ है वो वाटर के अंदर बना हुआ है ठीक है हम हमारे हम पास वाटर तो था ही नहीं लेकिन जब हमने ब्राइन ऐड किया तो वो किसका सोल्यूशन है वो एन ए सी एल और वाटर दोनों दो, दो चीजें होंगी फिर हमारे पास जो है वो ब्राइन बनता है ठीक है तो वाटर जो है वो हमारे पास ब्राइन से ही आया कि जो ब्राइन है वो एन और वाटर दोनों चीजों का एक्वा सोल्यूशन होता है तो यहाँ से अगर हम एन ए सी एल के आइन बनाए तो वो इस तरह से बनेंगे यहाँ पे एन ए का क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव और सी एल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और ओ OH एच के ऊपर नेगेटिव आए चार्ज आएगा अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया है इसकी रीजन कुछ ये यूं है कि जो है हमारे पास सोडियम इसका अटोमिक नंबर है ग्यारह और जो क्लोरीन है इसका अटोमिक नंबर है सेवनटीन ठीक है अब जो सोडियम है इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है अगले में आठ इलेक्ट्रॉन है और उससे अगले में एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम के तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जबकि क्लोरीन के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन उससे अगले शेल में आठ इलेक्ट्रॉन और उससे अगले शेल में सात इलेक्ट्रॉन सोडियम के तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जबकि क्लोरीन के तीसरे शेल में सात इलेक्ट्रॉन है सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा जबकि सी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है Uh, अब क्लोरीन क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से गेन कर लेगा यानी सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उसको क्लोरीन जो है वो गेन कर लेगा जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और जो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा सेम यही वाली जो है अगर आप चार्ज की बात करें एच और ओ एच में तो यही वाली जो बात है वो एच और ओ एच में है कि जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है वन वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है आठ पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन और उससे अगले शेल में छह इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा अब जब आइंस बनेंगे तो एक हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा जबकि दूसरा जो है वो उसके साथ ही रहेगा अब इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अब जिस तरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो है हमने ब्राइन सोल्यूशन ऐड किया था वो कैथोड यू शेप कैथोड के अंदर ऐड किया था और जब इलेक्ट्रोलिस हुई तो जो है वो आयंस बने अब ये आयंस जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे अपने इलेक्ट्रोड से मुराद यही है कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव क्योंकि हमेशा जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे के करीब आएंगे ठीक है और जो पॉजिटिव सिमिलर चार्ज होंगे जिस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव ये एक दूसरे से दूर जाएंगे ठीक है ये एक दूसरे से दूर जाएंगे इसी तरह अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो वो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे अब यहाँ पे जो एन ए पॉजिटिव है ये कहाँ पे जाएगा जिस सॉरी एन ए पॉजिटिव कह रही हूँ सी एल नेगेटिव सी एन एन ए तो कहीं भी मूव नहीं करेगा ये मेटल है ये वहीं रहेगी जो सी एल है जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ पे मूव करेगा ये एनोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये कैथोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि कैथोड के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है अब जब ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो कैथोड की तरफ से जो है वो क्लोरीन गैस बाहर रिमूव हो जाएगी और जो हाइड्रोजन आयंस थे एच प्लस आइंस थे वो कहाँ जाएंगे वो जो है अपने अपने इलेक्ट्रोड के पास यानी कैथोड के, के पास जाएंगे क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो क्लोरीन है वो एनोड के पास जाएगी क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो हाइड्रोजन आयंस है वो कैथोड से रिलीज हो जाएंगे और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड से रिलीज हो जाएगी क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है अब पीछे क्या बच गया अब आप देखें यहाँ से जो है वो क्लोरीन भी निकल गया क्योंकि क्लोरीन गैस जो है वो निकल गई यहां से ये यह क्लोरीन गैस जो है वो ये निकल गई इसी तरह जो हाइड्रोजन है ये भी निकल गया हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस बन के निकल गई और जो क्लोरीन है वो क्लोरीन गैस बन के निकल गई पीछे क्या बच गया पीछे बच गया एन एच ये वाला एन ए और ओ एच एन ए और ओ OH एच जो है वो आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे हमारे पास हमारे पास कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एच बना देंगे जो हमें रिक्वायर था जिसके लिए हमने पूरा जो है वो प्रोसेस किया है नाइल्साइन को यूज़ किया है उससे हमारे पास एन ए ओ एच बन जाएगा और ये जो एन एच है ये

आ, बताया भी हुआ है कि ये वाला सारा रिएक्शन जो है ये किस तरह से आयंस बनते हैं एन है वो किस तरह से आयंस बनाएगा एन पॉजिटिव और सी नेगेटिव क्लोरिन जो है क्लोरीन के आयंस किस तरह से बनाएंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वहीं पर छोड़ जाएंगे और खुद जो है वो क्लोरिन गैस बना के निकल जाएंगे इसी तरह जो ओ एच है फोर ओ एच ये वाटर के दो मालिक्यूल और साथ ऑक्सीजन और अपने चार इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ कर देंगे अब एन और ओ एच OH नेगेटिव एन ए पॉजिटिव आयन है और जो ओ OH एच है वो एन आइंस है आ, सोडियम के कैटाइन और हाइड्रोक्साइड एन आइंस जो है वो मिलके एन एच बना देंगे ठीक है और ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा कि जो एन है वो किससे रिएक्ट करता है वाटर से करता है क्योंकि ये ब्राइन ही होता है उन्होंने ब्राइन के ही इस रिएक्शन को थोड़ा अलग करके लिख दिया है कि जो पूरा ब्राइन होता है वो इस तरह से आयनाइज होता है इसकी जो पूरी इक्वेशन है कि हमारे पास एक तो क्लोरीन गैस बनती है दूसरी हमारे पास हाइड्रोजन बनती है और साथ हमारे पास क्या बनता है एनएच यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी जिसके लिए हमने पूरा जो है वो प्रोसेस किया स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी इन हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे तो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़